नमस्कार दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग दिन रहा आज का। और निफ्टी ऑलमोस्ट 2% बढ़ के बंद हुई। बाजार बहुत वॉलेटाइल है। कल मैंने कहा था कि बाजार में जो भी आपको चांसेस मिलते हैं आप प्रॉफिट बुक करते रहिए। 640 का सिर्फ 20 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस मैंने लिया था और बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला वहाँ से देखिए। और बाजार आज गैप से खुला, और गैप से खुला कहाँ है बहुत इंटरेस्टिंग है। पर उससे पहले देख लेते हैं कौन सी चीज़ों ने निफ्टी को बढ़ाया, कौन से इंडेक्सेस ने, कौन से स्टॉक्स ने सपोर्ट किया। तो देखेंगे मेटल 2.63% बढ़ा है, फार्मा 0.42, निफ्टी आईटी 1.8। ओवरऑल सब के सब सेक्टर में तेज़ी देखने को मिली है। एफएमसीजी में 1.75%, रियलिटी ने शॉक किया 3.64%, और इंफ्रा 1.87, कमोडिटीज 2.47, ऑटो इंडेक्स बढ़ा 2.16, और बैंकिंग के शेयर्स भी बढ़े 2%। तो ओवरऑल बाजार 2% के आसपास तेज हुआ, पूरा निफ्टी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है निफ्टी के चार्ट को देखना। उससे बिल्कुल भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन या ना ही कोई टिप है, ये प्लीज़ मेरी एनालिसिस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ एनालिसिस आपसे मैच करती है, उतना डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, इसके बेसिस पर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप देखेंगे निफ्टी एक सेम काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न को फॉलो करती दिखाई दे रही है काफ़ी टाइम से। ये 15 मिनट का चार्ट है, जहाँ पे पहले ये जो प्राइसिंग था, अगर आप देख सकते हैं पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, पता ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ब्यूटीफुली काम कर रही थी, और यहाँ से इसको इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद में एक अच्छा खासा इसने हाई लगाया। 18,400 के आसपास हाई लगाया था, 17,200 के लेवल के जब इसने क्रॉस किया था। वहीं अब ये सेम चार्ट पैटर्न कहीं ना कहीं फॉलो होता दिखाई दे रहा है। वैसे ही बाजार एक टफ रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, और टफ रेजिस्टेंस को इसने बहुत बार क्रॉस करने की कोशिश की, और यहाँ पे भी फेल हुआ था। बट आज इसने इसको गैप से ही ऊपर खोल दिया, और यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ चला गया। देखेंगे कि ये जो सपोर्ट्स थे, सपोर्ट है 16,834 के आसपास के, 16,850 को पकड़ सकते हैं। तो ये जो सपोर्ट्स थे, ये सपोर्ट ब्रेक हुए, और आज की जो क्लोजिंग है इन सपोर्ट के ऊपर ही हुई है। तो बेसिकली अब यहाँ पे 16,850 ये एक मेजर लेवल बन जाता है इंट्राडे के लिए। अगर मुझे कोई पोजीशंस बनानी है तो मेरा ध्यान सारा 16,850 के ब्रेक पे रहेगा। अगर 16,850 के ऊपर बाजार रहता है ऊपर, तो मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेने वाला हूँ, या मैं ऊपर की तरफ पोजीशंस बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर बाजार इसको ब्रेक करता है तो फिर हम सोचेंगे कि बाजार में सेलिंग दोबारा से आएगी या नहीं आएगी। बट वहाँ पे भी 16,600, देखिए ये जो कल की क्लोजिंग थी 16,600 के आसपास का, 16,640 के आसपास का जो लेवल है, ये मेरे लिए क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। अब इसके नीचे ही मैं फर्दर सेलिंग देखने वाला हूँ। बाजार में जो इन्फ्लेशन है, या वॉर सिचुएशंस हैं, या अनसर्टेनिटी है, वो तो बनी हुई है। बट अगर इन सभी अनसर्टेनिटीज़ को थोड़ा डिस्काउंट कर दिया जाए, अगर समझने की कोशिश करें कि बाजार में हो क्या रहा है, तो यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करूँगा कि बाजार ठीक है, और बाजार में जो मौके मुझे मिल रहे हैं वो मौके बहुत ही अच्छे हैं। और यही चार्ट पैटर्न कुछ डेली चार्ट के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, इसको आप डेली चार्ट पे भी देख सकते हैं। और लेट मी रिमूव ऑल द इंडिकेटर्स फॉर यू सो दैट इट इज़ क्लियरली विजिबल। देखिए सेम पैटर्न, जो चार्ट पैटर्न आपको 15 मिनट पे दिखाई दे रहा था, वही कुछ ट्रेंड लाइन आप रिपीट कर सकते हैं एक दिन के चार्ट के ऊपर भी। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली वही चार्ट पैटर्न्स कुछ फॉलो करते दिखाई दे रहे हैं, और ये एक ब्रेकआउट आप कह सकते हैं। जो लोग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, और ये फिर से वही ब्रेकआउट हुआ है, और आज पूरे दिन की अच्छी खासी कैंडल दिखाई देती है, बाजार सॉलिड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डेली चार्ट भी मुझे कंफर्म कर रहा है, 15 मिनट का चार्ट भी मुझे कंफर्म कर रहा है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे देखने की कोशिश करूँ, तो वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड लाइन परफेक्टली मैच कर रही है, और आज एक वीकली ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखाई दिया है। गाइस देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आज की जो क्लोजिंग है वो एक वीकली ब्रेकआउट क्लोजिंग है, बहुत ही बढ़िया वीकली ब्रेकआउट क्लोजिंग है। तो यहाँ पे अगर सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि हाँ ये एक फ्लैग पैटर्न में अगर कन्वर्ट हो जाएगा, तो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट बहुत ही सॉलिड ब्रेकआउट होते हैं। बट डिस्काउंटिंग ऑल द थिंग्स, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, बाजार में वॉलेटिलिटी है, न्यूज़ हर जगह खराब चल रही हैं, तो कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स। हाँ, बट बाजार जैसा मर्जी हो, आपको अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती रहेंगे। बाजार में क्रैश हो या करेक्शंस हो, आपको अपने स्टॉक्स को फाइंड आउट करना चाहिए कौन से स्टॉक्स में अच्छा दम लगता है, उनको देखिए। फंडामेंटल्स जिनके अच्छे हो, जिनके टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हो, आप उनको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा, स्विंग ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो हो, चाहे वॉच लिस्ट हो आपके इंट्राडे, बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, इसकी बारीकियां कैसे होती हैं, कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है, कौन से ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं जो
बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे देखा जाए कि हाँ कहाँ बड़े प्लेयर आ रहे हैं, कहाँ इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, कैसे ऑप्शन चेन को कोरिलेट किया जाए, कैसे चार्ट पैटर्न्स को स्टडी किया जाए, कौन से चार्ट पैटर्न्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस के ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं, जो हम लोग जानते हैं, हमारी प्रैक्टिस से हमने सीखा है, वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी दिल्ली की मास्टर क्लास अनाउंस होने वाली है। मास्टर क्लास की डिटेल्स जानने के लिए नीचे के नंबर पर अपना नाम अपनी सिटी मैसेज कर सकते हैं और आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, और बहुत ही जल्दी आपको पूरा अनाउंसमेंट सोशल मीडिया जिसमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल होगा, फेसबुक पे भी अवेलेबल होगा, अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करना चाहते हैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसा सिनेरियो चल रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं निफ्टी के तर्ज पे ही आपको एक ब्रेकआउट देती दिखाई दे रही है, जो पहले चार्ट पैटर्न्स रिपीट हुए थे वही कहीं यहाँ भी दिखाई दे रही है। एक डाउन ट्रेंड को एक ब्रेकआउट होता दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड का एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता दिखाई दिया, अच्छी खासी क्लोजिंग दिखाई दे रही है। तो डेली चार्ट पे यहाँ भी वही सिनेरियो दिखाई दे रहा है, वीकली चार्ट के ऊपर भी सिनेरियो ऑलमोस्ट विजिबल है, और अगर इंट्राडे की बात की जाए, ट्रेडिंग चार्ट की बात की जाए, तो ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर भी सिनेरियो परफेक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पे भी इस ट्रेंड लाइन को आप यूज़ कर सकते हैं, और ये भी हमारा एक बहुत ही क्लियर सिग्नल है कि हाँ ये ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में 35,690 के आसपास की क्लोजिंग है, और ये भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ही चलती है। तो देखना होगा आने वाले टाइम में कि ये जो लेवल है ये क्या ये मेंटेन हो पाता है नहीं हो पाता है। 35,690 के ऊपर बैंक निफ्टी रहेगी, वॉल्यूम्स आएंगे बाजार में, बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे, तो बैंक निफ्टी को वापस से 36,000 और 37,000 की तरफ लेके जाने के लिए इसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट कर दूं कि ये मेरी एनालिसिस है, ये कोई लेवल्स आपको नहीं दे रहा हूं, कोई टिप्स आपको नहीं दे रहा हूं, बट हाँ मेरी स्टडी आपसे शेयर कर रहा हूं कि मुझे क्या लग रहा है बाजार में। आप अपनी स्टडी करके ही ट्रेड लीजिएगा, दिए गए लेवल्स पर ट्रेड करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बट हाँ आप पसंद करते हैं इसलिए आपको मैं ये लेवल एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, चैनल पे बने रहे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट रखिए, और दोस्तों से चैनल को शेयर करना ना भूलें, वीडियो शेयर करते रहें, लाइक्स प्रेस कीजिए, और क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।